हो गया था, है ना, हमने देखा भगवान ने, और ऊती जो है वो चल रहा था, सातवां ऊती माने जो हमारी वासना है, या ऐसे समझ सकते हैं कि जो अच्छी चीजें पहले की हैं या बुरी दोनों वो रह जाती हैं कुछ ना कुछ दिमाग में, वो और वो हमारे सामने आ जाते हैं फिर कभी कभी। तो कैसे, उसका एक उदाहरण आपने देखा कि प्रहलाद महाराज ने जो सुना था वो उनको याद रहा, है ना। तो ऐसे और भी उदाहरण आएंगे, उसे पूर्ति कहते हैं। आज एक गजेंद्र का भी आया जिनको पिछले जन्म में की हुई भक्ति याद रह गई, है ना। तो ये ऊति सातवां है, कितने विसर्ग हो गया, विसर्ग स्थान पोषण ऊति पांच हो गए, फिर है मनवंतर, फिर ईशान कथा। ईशान कथा नवम स्कंद में आता है जहाँ पे बहुत सारे भगवत भक्त राजाओं की छोटी छोटी सी कथाएं आएंगी, है ना, और वो नवम स्कंद में बहुत सारी कहानियां छोटी छोटी सी, है ना, जिसमें से हम मेन मेन कहेंगे, और उसे कहते हैं ईशान कथा। और मनवंतर, मनवंतर होता है समय का विभाजन एक तरीके से कहते हैं, और ब्रह्मा थोड़ा इसको समझा देते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदलता है, ये गवर्नमेंट जैसे होता है, है ना, तो जैसे 5 साल में पीएम बदल जाता है, है ना, तो ऐसे ही प्रेसिडेंट भी, सीएम भी, है ना। तो इस तरीके से समय कैसे होता है कि एक सेकंड जो हम समझते हैं, एक सेकंड, एक घंटा, 12 घंटे, ये 24 घंटे या एक साल, ये तो फॉरेन से आया हुआ ज्ञान है, मॉडर्न कैलेंडर है। हमारे वैदिक कैलेंडर को समझने के लिए एक को करीब आप 1700 से डिवाइड करो, 1/1700, एग्जैक्टली सेम 1687.5, 1/1687.5, तो जो आएगा रिजल्ट दैट इज कॉल्ड 1 त्रुटि। 100 त्रुटि को मिला के एक वेद बनता है, 3 वेद को मिला के एक लव बनता है, 3 लव से एक निमिष बनता है, कहते ना लव मात्र साधु संत, तो वो यही लव है, ठीक है। ये 3 लव मिला के एक निमिष, 3 निमिष का एक काष्ठा, 3 निमिष का एक क्षण, और फिर 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा का एक लघु, 15 लघु का एक दंड, 2 दंड मिला के एक मुहूर्त, मुहूर्त बोलते ना, वो मुहूर्त यहाँ से आए, एक अवधि है समय, तो 2 दंड मिला के एक मुहूर्त, और 6 दंड मिला के एक पहर, 8 पहर होते दिन में, ठीक है, 4 पहर का एक दिन और 3 रात, 15 दिन और 15 रात मिला के एक पक्ष, फोर्टनाइट, और 2 पक्ष मिला के एक महीना, 2 महीने का एक ऋतु, 6 महीने का सन सूरज का एक उत्तर से दक्षिण में जाना, तुमने सुना होगा ना, उत्तरायण से दक्षिणायन जाते हैं, अभी मकर संक्रांति आएगी तो होता है ना, तो ये 6 महीने का, और 2 बार सन आया गया, पूरा साइकिल किया, एक उसे कहते एक वर्ष, ठीक है, 2 बार मतलब सन के 2 मूवमेंट को एक वर्ष बोलते हैं, 100 वर्ष मिला के मनुष्य की उम्र होती है, ऐसे 100 वर्ष की, ठीक है, और 12,000 देवताओं के वर्ष मिला के एक दिव्य युग होता है। तो ऐसे करके ये जो कलयुग है, हमने वर्ष तक आ गए, ऐसे करके 432,000 वर्षों का कलयुग, कलयुग का दुगना, फिर तिगुना, फिर 4 गुना, सब मिला के उसे कहते हैं एक चतुर्युग, चतुर्युग या दिव्य युग, सिंपल एक दिव्य युग, ऐसे 1,000 दिव्य युग मिलाएंगे तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे यानी कि दिन दिन,
ठीक है, इतनी ही ब्रह्मा जी की रात। तो इस 12 दिन में, इस 12 घंटे में क्या होता है, ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो प्रलय आ जाती है, और जब जगते हैं तो ऐसे समझ लो जब ब्रह्मा जी सोए तो उनके घर में सब तबाही मच गई। सुबह जगे तो सब उल्टा पुल्टा फैला हुआ, तो बेचारे फिर बनाते हैं, फिर सोते हैं, है ना। तो इसे ही कहते सृष्टि करना। तो ब्रह्मा जी जब जगते हैं तो वो पूरा दिन जो उन्हें काम चलना करना है सृष्टि में, उसके संचालन के लिए मनवंतर सरकार होती है। उस मनवंतर सरकार में 6 पद नियुक्त किए जाते हैं, मंत्रिमंडल ऐसे समझ लो आप, 6। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये ब्रह्मा जी के पूरे दिन में 14 बार बदलता है। कितने बार, है ना, 12 घंटे में कितने बार बदल गया, 14 बार। तो 14 बार बदलता है, 12 घंटे ब्रह्मा जी के माने 1000 दिव्य युग, समझ रहे हैं, है ना। 1000 दिव्य युग में कितने बार मनवंतर सरकार बदली, 14 बार, ठीक है। तो एक मनवंतर सरकार कुछ आप ऐसे हिसाब लगाएंगे तो 71 दिव्य युग तक चलती है, ठीक है। 71 × 14 करोगे तो कुछ 1000 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 14 जो मनवंतर सरकार हैं, इनमें जो हर सरकार में जो हेड होता है उसे कहते हैं मनु, ऑलमोस्ट आ रहा है एक पर। तो इसे कहते हैं, वो पद को कहते हैं मनु। फिर उस पद पर अलग अलग व्यक्ति आके बैठता है ना। और इसी तरीके से 6 पद नियुक्त होते हैं मेन, तो उन 6 पदों पे अलग अलग व्यक्ति आके बैठते हैं। कभी अगर उस पद पर बैठने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति ना मिले तो भगवान स्वयं उस पद को स्वीकार करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो कोई पद के लिए अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो पीएम ही उस पद को अपने पास रख लेता है, और कुछ समय बाद जब उन्हें मिलता है ठीक है तो दे देते हैं। कई बार, एक बार शायद पीछे रक्षा मंत्रालय को पीएम ने रखा था कुछ समय पहले से, है ना। तो इस तरीके से भगवान देखते हैं कि अभी कोई पद इस पद को, जैसे एक बार भगवान यज्ञ इंद्र बने, है ना। और इस तरीके से सूर्य नहीं था बनने के लिए, कोई सूर्य का पद लेने के लिए नहीं था, तो एक बार भगवान सूर्य बने, इसलिए उनका नाम हुआ सूर्य नारायण, ना, सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण एक बार भगवान ने सूर्य का पद लिया इसलिए, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये जो 14 मनु की जो सरकारें आई ब्रह्मा जी के एक दिन में जो आती, इनका जो वर्णन है भागवतम में उसे ही 8वें स्कंध में डाला गया है, और उसे ही कहते हैं मनवंतर, जो कि 10 में से एक विषय है भागवतम का, ठीक है। तो चलिए, पहले मनु हुए स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इन अब 6 पद कौन से हैं, मैंने बताया ना कि 6 पद होते हैं जो हर सरकार में 6 पद नियुक्त होते हैं। पहला है मनु, दूसरा मनु पुत्र, तीसरा मनवंतर अवतार, चौथा इंद्र, पांचवा देवता, छठवा सप्तऋषि। 6 पद हर बार बनते हैं, इनका सिलेक्शन है ना, इनका इलेक्शन नहीं होता, इनका सिलेक्शन होता है ना। इलेक्शन कहाँ होता है, इलेक्शन होता है जब प्रजातंत्र होता है, सिलेक्शन भगवान को ये हमारे हिसाब से ये मनु होने चाहिए, बना दिया बात खत्म। तो जो पहले मनु हुए वो स्वयंभू मनु हुए, जिनकी इतने दिनों से कथा चल रही थी, है ना। तो वही स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उनके समय मनुपुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, ठीक है। और आकुति और रुचि से भगवान यज्ञ मूर्ति ने मनवंतर अवतार के रूप में प्रकट हुए।
और इंद्र भी भगवान यज्ञ मूर्ति बने, और यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र देवता बने, ठीक है। और सप्तऋषि बने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ। इस तरीके से दूसरा मनवंतर में स्वरोचिष जो कि अग्नि के पुत्र थे वो बने मनु, है ना। तो ये जो हमारा ज्यादातर हमने उत्तर भारत में देखा है कि ये भ्रम रहता है कि इंद्र तो कोई व्यक्ति है, नहीं, इंद्र एक पद है, ब्रह्मा जी एक पद है, ये सब पद है। हमें पता लगता होगा ब्रह्मा 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 ये पद है, जैसे कल हमने सुना इंद्र ने ये किया, फिर हमने सुना इंद्र ने ये किया, तो जरूरी नहीं कि जो गड़बड़ कर रहा है बार बार वो सेम इंद्र हो। हाँ, है ना, उसको याद है, एक दिन बताया था। तो कई बार किसी और इंद्र ने गड़बड़ करी होगी, तो जिस ये भागवत में क्या है, एक जगह बता दिया कि ऐसा ऐसा है, पर कथाएं सब इधर उधर, ऐसा नहीं कि पहले मनमंत्र की कथा पहले होगी, कुछ ऐसा नहीं है ना। जिसको डिटेल में चाहिए कौन सी कथा किस मनु के समय में हुई वो फिर मेरे पास लिखा है, आप बाद में उसे ले लेना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, जब हम ये पूरा चार्ट देखते थे पता चल जाता है कि सब पद है। तो दूसरे मनु हुए सर्वोच्च अग्नि के पुत्र, और उनके समय जो मनवंतर अवतार हुए वो हुए तुषिता के पुत्र भगवान विभू, है ना। तीसरे जो है उत्तम, अब तीसरा चौथा और पांचवा, ये तीन मनु, तीसरे मनु, चौथे मनु, पांचवे मनु, ये हुए प्रियव्रत के पुत्र। प्रियव्रत की स्टोरी आपने सुनी है ना, तो प्रियव्रत के तीन पुत्र क्रमशः तीसरे, चौथे, पांचवे मनु बने, ठीक है। तीसरे मनु जो हुए उनके समय धर्म के पुत्र सत्यसेन के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और भगवान मनवंतर अवतार की पोस्ट को सुशोभित किए, ठीक है। तो हमें जनरली, हमने सुना कई बार जब मैं साउथ में था तो ज्यादातर लोग कहते दशा अवतार, कितने अवतार हैं भगवान के नॉर्थ इंडिया में, कितने बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, कितने अवतार बोलते हैं भगवान के, 24 है, कोई बोलते हैं 12, कोई बोलते हैं 10, साउथ में 10 चलते हैं दशा अवतार करके, है ना। तो भागवत में एक जगह वर्णन आता है कि भगवान के इतने अवतार हैं कि आप गिन ही नहीं सकते। जिस तरीके से समुद्र की लहरें नहीं गिन सकते ना, आती हैं जाती हैं आती हैं जाती हैं, उस तरह से भगवान के अवतार हो रहे हैं और जा रहे हैं, है ना, आप नहीं गिन सकते। इसलिए आपने किसने हमने कभी तो नाम ही ना सुना हो, एटलीस्ट जब तक मैंने ये भागवत में नहीं पढ़ा था मुझे नहीं पता था कि सत्यसेन करके भी एक अवतार हुए, यज्ञ विभू तो ये सब अवतार हुए, है ना। तो ऐसे करके कहते हैं कि असंख्य अनगिनत अवतार हैं, आप काउंटिंग नहीं कर सकते। पर भागवत में एक जगह 22 अवतार की लिस्ट दे दी, 24 अवतार की लिस्ट दे दी, ऐसे मेन मेन बता दिया, है ना। और एक हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत बड़े आचार्य हुए जयदेव गोस्वामी, उन्होंने गीत गोविंद लिखा जो कि वर्ल्ड फेमस है। इस गीत गोविंद ग्रंथ को हर संप्रदाय के हर सेक्ट के लोग एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो ये गीत गोविंद लिखने वाले जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र भी लिखा है ना, जिसका एक हम रोज गाते हैं ना, केशव धीरता नर हरि रूपा जय जगदीश हरि, तो उस दशावतार स्तोत्र का एक है। इस दशावतार स्तोत्र में जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतारों को जो है ग्लोरीफाई किया, उनको विशेषता गुणगान किया। तो ज्यादातर यही फेमस होने की वजह से बहुत सारे लोगों को दक्षिण में ऐसे भाव आ गया, पता नहीं क्या जो भी है, कुछ को ऐसे लगता है कि सिर्फ भगवान के कितने अवतार हैं, 10, जो कि सही बात नहीं है। फिर चौथे मनु हुए तामस मनु जो कि प्रियव्रत के पुत्र थे, इनके समय में हरिणी और हरि मेधा के पुत्र के रूप में भगवान हरि ने मनवंतर अवतार के पद को सुशोभित किया। और इनके समय में एक कथा आती है भागवतम में कि एक स्वर्गीय लोकों में एक बहुत त्रिकुट पर्वत के पास एक बहुत शक्तिशाली हाथी रहता था जिसका नाम था गजेंद्र। हाथियों का राजा, सब डरते थे, यहाँ तक कि शेर, चीता, बाघ सब उससे डरते थे, और ये हाथी इतना शक्तिशाली था। एक दिन एकदम से
पागल जैसे जा रहा था अपने बड़े झुंड के साथ। तो गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि जहां से निकलता था वहां पे ही धरती कांपती थी। तो सब बड़े बड़े जानवर डर के भाग जाते थे, छोटे छोटे जानवर नाचने लगते थे, ये बड़े जानवर हमें नहीं खाएंगे, क्यों गजेंद्र आ गया, गजेंद्र तो खरगोश खाएगा नहीं, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से गजेंद्र बिल्कुल अपना झूमते हुए जा रहे थे अपने बहुत सारी हथनियाँ हाथी बच्चे साहब पूरा झुंड के साथ। और वहाँ एक समुद्र तालाब था, उस झील में गजेंद्र ने अच्छे से स्नान किया। इस थके हुए पूरा स्नान करने के बाद उनको और अच्छा लगा, तो अपने परिवार के लोगों को भी स्नान कराने लगे, एक दूसरे से खेल कूद, पानी में बढ़िया चल रहा था तो कुछ ज़्यादा ही पानी में हलचल मचने लगी। तो कई बार हम इतना भूल जाते हैं, है ना, वो कहते थे हमारे स्कूल में एक चैप्टर था कि आप सब कहते ना हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ तक दूसरे की नाक शुरू होती है, उसके बाद उसकी स्वतंत्रता है। हमारे चैप्टर था, वो आदमी ऐसे छड़ी घुमाते हुए जा रहा था, वो छड़ी घूमते पीछे एक आदमी के नाक पे लगी, बोला अरे मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, हमारा देश इंडिपेंडेंट। बोले नहीं, आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक है, जहाँ तक दूसरे की नाक शुरू नहीं होती, है ना। तब गजेंद्र तो अपना मस्ती में पानी में खेल रहे, पानी वालों को प्रॉब्लम हो गई, पानी में भी तो लोग रहते हैं और मगरमच्छ, हाँ अब मछली और स्टारफिश गजेंद्र का क्या बिगाड़ेंगे, है ना। तो मगरमच्छ को समस्या हुई, मगरमच्छ आया और उसने क्या किया, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अब गजेंद्र खींचे और मगरमच्छ नीचे खींचे। अब थोड़ी देर तो गजेंद्र ने सोचा, पूरा उसको इतना थोड़ा तो था कि हम तो शक्तिशाली हैं, तो उसने उसको ऐसे ही थोड़ी बार पैर हिलाया, लेकिन कुछ समय बाद समझ में आया कि इतने आसानी से नहीं जाएगा। फिर हुआ वहाँ पे युद्ध चालू, गजेंद्र के साथ वाले जितने रिश्तेदार थे सब ने थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। फिर उन्होंने जब नहीं छुड़ा पाए तो कहा अगर हम यहीं पे बने रहे तो हम भी फंसेंगे, इससे अच्छा यहाँ से निकल लो, सब छोड़ के चले। गजेंद्र को लगा रहे इन सबको मैंने पूरा जीवन भर इतनी रक्षा किया है और ये सब मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन वो भी क्या करें बेचारे, वो तो बचा नहीं सकते, सब चले गए। इस तरीके से ये युद्ध चला 1000 साल। अब वो क्या रहा था कि गजेंद्र तो था पानी में, तो गजेंद्र को तो कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था, तो उसकी और लड़ाई भी लड़ रहा है तो युद्ध उसकी शक्ति छीन हो रही थी। अब मगरमच्छ तो गजेंद्र का ही खून पी पी के शक्तिशाली हो रहा है, और वैसे भी जिसका घर होता है उसकी ताकत ज्यादा होती है, तो किसका घर है, पानी में कौन रहता है, मगरमच्छ, तो वैसे भी उसकी शक्ति ज्यादा रहेगी। तो वो गजेंद्र को कुछ समय बाद लगा कि थोड़ा मुश्किल है, फिर भी उसने खूब प्रयास किया। लेकिन अब इतने साल युद्ध चला, मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती जा रही थी, वो उसको नीचे खींचता जा रहा था, खींचता जा रहा था, खींचता जा रहा था, गजेंद्र पानी में डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, एकदम से डूबने लगा। गजेंद्र को लगा अब हम बच नहीं सकते, तो उसने सोचा अब कौन बचा सकता है मेरे को। तो उसने एकदम से पिछले जन्म में वो था महाराजा इंद्रदुम्न, दक्षिण में पांड्य देश का राजा महाराजा इंद्रदुम्न थे, वो भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने भी अपना राजपाट किया अच्छे से, और एक समय आने के बाद भगवान की भक्ति करने के लिए जो है बिल्कुल सुनसान जगह में जाके, जंगल के बिल्कुल सुनसान जगह में जहां तक दूर दूर तक कोई नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब करने, ऐसी जगह जाके महाराजा इंद्रदुम्न ने अपनी एक कुटिया बनाई, क्यों, भगवान की भक्ति करने, ठीक है। अच्छा अब अच्छा। कई बार व्यक्ति कहता है भाई मैं तो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता, मैं किसी को परेशान ही नहीं करता, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं रखता, किसी को कोई परेशान नहीं करता, अपने में अपना भजन कर रहा हूँ अपना, पर फिर भी आके मेरे को डिस्टर्ब किया, किया क्या कर सकते। तो महाराजा इंद्रदुम्न ने बेचारे कोई परेशानी नहीं, अपना अलग कहीं कोई नहीं आएगा वहां पे, ऐसी जगह बनाया, लेकिन वहां पे भी अगस्त ऋषि आ गए, क्यों आ गए, किसी ने बताया,
रहता था वहां पे, ऐसी जगह बनाए कि कोई मुझे भजन में डिस्टर्ब ना करे, लेकिन वहां भी आ गए। क्यों आ गए? भगवान की इच्छा थी। ठीक है, फिर हमने तो किसी से कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आके वो मेरी मेरे को परेशान करता है, क्या कर सकते? इंद्रदुम महाराज को किया तो इस तरीके से अगस्त ऋषि आए। अब महाराजा इंद्रदुम तो बिल्कुल भक्ति में बिजी थे, उस दिन उन्होंने मौन व्रत भी रखा हुआ था, और मौन व्रत होने की वजह से, भक्ति में लीन होने की वजह से समाधि में थे, कुछ इन्हें पता नहीं चला कि आश्रम में कौन आया है। इस तरीके से महाराजा इंद्रदुम्न को पता नहीं चल पाया कि अगस्त ऋषि आया। अगस्त ऋषि ने सोचा है कि ये बहाना मार रहा है समाधि में होने का और मेरा स्वागत नहीं करना चाहता। ऐसी घटना एक आप सुन चुके हैं, किसकी? ऐसी ये घटना हम पहले सुन चुके हैं ना। अरे तपस्या कर रहे थे, कोई आया स्वागत नहीं किया, उनके गले में सांप डाल दिया। परीक्षित महाराज श्रमिक ऋषि के आश्रम में आए थे, आठवें स्कंद में आए, पहला स्कंद गायब। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, ना अगस्त ऋषि की गलती और ना महाराजा इंद्रदुम्न की गलती, पर दैव इच्छा से क्या हुआ, अगस्त ऋषि ने महाराजा इंद्रदुम्न को साथ दे दिया कि ऐसे तू बैठा हुआ है घमंड में बिल्कुल शांति से, ऐसे तो हाथी करते रह जा, तू हाथी बन गया। तो बेचारे अगले बार क्या बने? हाथी बने। और वही हाथी गजेंद्र यहाँ फंसे हुए, मगरमच्छ के मुंह में उनका पैर फंसा हुआ है। तो पिछले जन्म में जो भक्ति करी थी वो याद आ गई, इसे ही कहते हैं ऊती है ना। तो पिछले जन्म में जो भक्ति की थी वो ने याद आ गया और उसी से कुछ श्लोक बोल दिए, इसे ही कहते हैं गजेंद्र स्तुति। तो ये जो श्लोक इन्होंने बोले, अब यहाँ पे जब ये जो लड़ाई चल रही थी मगरमच्छ की और गजेंद्र की, इस लड़ाई को और देवता देख रहे थे, लेकिन चूंकि गजेंद्र ने उन्हें मदद के लिए बुलाया नहीं, उन्होंने मदद करी नहीं। और जब श्लोक भी बोले तो गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला ऐसे करके कि, है ना, गजेंद्र बोले हैं भक्त आप वही विधाता जो सबको कंट्रोल करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, मेरे जैसे जानवर की रक्षा करे, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, अज्ञानी हूँ, है ना, इस भौतिक जगत में फंसा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें, इस मगरमच्छ से ही नहीं बल्कि इस भौतिक जगत से ही मुझे निकालें, मैं समझ गया हूँ कि इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं है, सब माया है, सब बकवास है, इतनों का मैंने जिंदगी भर ख्याल रखा, सब मुझे आज यहाँ दुख में फंस गया, सब छोड़ के चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ, हे भगवान आप हमारी रक्षा करें। तो सारे देवता बोले कि हमें तो बुला नहीं रहे, हम क्यों रक्षा करें, सब देख रहे थे। जब फिर भगवान हरि, बताया ना हरिणी और हरिमेधा के पुत्र के रूप में जो भगवान ने अवतार लिया, भगवान हरि ने जब सुना तो भगवान हरि दौड़ के आए, और जो है जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि भगवान हरि गरुड़ पर सवार होकर मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, गजेंद्र ने और तो कुछ था नहीं, उसी सरोवर का एक कमल तोड़ के भगवान को अर्पित किया, और भगवान ने तुरंत आके दोनों को, मगरमच्छ को और गजेंद्र दोनों को पानी से खींचा, और मगरमच्छ को सुदर्शन से एक सेकंड के अंदर उसका सिर काट दिया। ये मगरमच्छ हुहू नाम का गंधर्व था, देवल ऋषि के हिसाब से गंधर्व बना था, ये भी अपना भगवान को थैंक यू बोल के कि आपकी कृपा से मैं शाप से मुक्त हो गया, ये भी अपने गंधर्व लोक वापस गया, और गजेंद्र भगवान को सारूप मुक्त यानी भगवान जैसा ही रूप गजेंद्र को मिला, और भगवान गजेंद्र को
जो है अपने धाम वैकुंठ लेके गए भगवान हरि की। इस तरीके से भगवान हरि कहते हैं कि हे गजेंद्र, जो प्रार्थनाएं आज आपने करी हैं, इन प्रार्थनाओं को जो भी सुबह प्रातः उठ के सुनेगा भूलेगा, उसको मैं अपने वैकुंठ धाम में निवास दूंगा। ठीक है, ये किस मनवंतर में हुआ? चौथे। पांचवें मनवंतर में भगवान जो मनु हुए वो रेवत प्रेवत के पुत्र, और जो मनवंतर अवतार हुए वो हुए वैकुंठ, शुभ्रा और विकुंठा के पुत्र के रूप में भगवान वैकुंठ मनवंतर अवतार बने। इस तरीके से छठवें जो मनु हुए चाक्षुष मनु, जो कि चक्षु यानी ध्रुव के बेटे के बेटे के बेटे चाक्षुष मनु बने, और भगवान अजीत ने जो है मनवंतर अवतार किया। इस तरीके से छठवें मनु कौन हुए? चाक्षुष मनु। सातवें मनु, छठवें मनवंतर में भगवान अजीत, यही भगवान अजीत है जो समुद्र मंथन के समय में देवताओं की मदद की। ठीक है, तो समुद्र मंथन की कथा कल बताया था। और सातवां मनु श्राद्ध देव मनु, जिनको वैवस्वत मनु कहते हैं, गीता आपने पढ़ा होगा, एवं वैवस्वत वो शब्द आते हैं ना, वैवस्वान के पुत्र यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत। सूर्य का नाम, इस समय जो सूर्य है उनका नाम है वैवस्वान, और उनके पुत्र का नाम हुआ श्राद्ध देव, है ना, और वैसे उन्हें वैवस्वत भी बोलते हैं। तो यही मनु की सरकार अभी चल रही है। तो हमारे मनु कौन हुए? हम किसकी सरकार में अभी? मोदी श्राद्ध देव मनु, वैवस्वत मनु का समय इस समय चल रहा है, सातवां मनवंतर चल रहा है। ठीक है, यहां तक की बात तो हो गई। अब आठवां जो होगा वो आगे आएंगे, फ्यूचर की बात है। तो आठवें मनु सावर्णी मनु, जो विवस्वान और छाया के पुत्र है, फिर दक्ष सावर्णी मनु, फिर ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, इस तरीके से 14 मनु की कथा जो है आती है। ठीक है, तो समुद्र मंथन के समय, सातवें मनवंतर में समुद्र मंथन के समय एक बार हुआ क्या था कि देवता जो कल बताया था कि दुर्वासा ऋषि के साप की वजह से देवता अपना राज वैभव सब खो दिए। तो भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि देखो इस समय जो है असुरों का समय बढ़िया चल रहा है ना, उनके ग्रह नक्षत्र सब बढ़िया है, उनसे लड़ोगे हारोगे, इसलिए जो है गठबंधन कर लो। और एक तरीका भगवान ने बताया, भगवान ने कहा कि एक बार एक पिटारे के अंदर एक चूहा और एक सर्प दोनों बंद हो गए, है ना। तो सर्प, सर्प किसको खाता है? भगवान भी देखो कितना बढ़िया आइडिया देते हैं। भगवान ने कहा देखो चूहा और सर्प दोनों एक पिटारे में बंद हो गए, तो सर्प चाहता तो चूहे को खा सकता था, लेकिन सर्प ने पता है चूहे से कहा कि देखो ऐसा है भाई, तुम ना इसमें छेद करो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और हम दोनों बच जाएंगे, नहीं छेद करोगे तो मैं तुम्हें खा लूंगा और बाद में मुझे भी मरूंगा। इसलिए अच्छा आइडिया क्या है, तुम पिटारे में छेद कर दो और हम दोनों निकल जाते हैं। ऐसा किसने बोला? सांप ने। किसको? चूहे को। लेकिन सांप का आइडिया क्या था एक्चुअली में, कि जब चूहा छेद कर देगा उसके बाद में पहले तो चूहे को खाऊंगा और फिर मैं निकलूंगा। तो भगवान ने कहा यही आइडिया अपनाओ, असुरों से जीत तो सकते नहीं तुम अभी, उनका समय अच्छा चल रहा है, तो उनसे दोस्ती कर लो और जो है क्षीर सागर में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मंदराचल पर्वत को रख के और जो है वासुकीनाथ को रस्सी बना के मथानी से मथना, उससे निकलेगा अमृत और मैं फिर से तुम्हारी मदद करूंगा और उस अमृत को तुम्हें दिलवा दूंगा, अकेले तो तुम निकाल नहीं सकते, क्षीर सागर को मथना कोई आसान बात है, तो अकेले तुम निकाल नहीं पाओगे, तुम्हें उनकी जरूरत पड़नी पड़नी है, तो तुम जो है उनकी सहायता लो। भगवान ऐसा बोले, भगवान जो बोले सही है। भगवान ने कहा ठीक है। तो
तो देवता ने कहा अच्छा आइडिया है। तो देवता ने कहा ठीक है, अब मंदराचल पर्वत को ये लोग उठा ले, पूरा देवताओं का पूरा मदद भगवान की है समुद्र मंथन में। तो ये मंदराचल पर्वत भी नहीं उठा पा रहे थे, तो वो भी भगवान ने गरुड़ की सहायता से उठवा के रखवाया। अब मथाने के लिए कोई रस्सी कहाँ से लाए, तो वासुकी नाग को बुलाया। वासुकी नाग बोला मैं क्यों खींचूं भाई, मतलब मैंने किसका क्या बिगाड़ा। बोले नहीं तुम्हें भी थोड़ा अमृत देंगे। तो ठीक है, तो भगवान अजीत इस समय आए है ना, जो मनवंतर अवतार है। तो भगवान अजीत ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो सबसे खतरनाक भाग है सड़क को मैं पकड़ लेता हूँ। तो उन्होंने क्या पकड़ा, लेकिन देवताओं असुरों को लगा हमारी बेइज्जती है, हमें पूछ पकड़ाई। तो बाद में समझ में आया, जब वो मंथन हुआ ना, तो सर्प वासुकी की रगड़ होती थी तो वो मुंह से आग झेर छोड़ता था, तब इन्हें समझ में आया यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से समुद्र मंथन हुआ जो कल मैंने बताया था। तो समुद्र मंथन में फिर भगवान को जब मंथन चालू हुआ तो कच्छप भगवान आए, क्योंकि वो पहाड़ धस रहा था ऊपर, भगवान हजार भुजाओं वाले बन के उसको पूरा प्रोटेक्ट किए। इस तरीके से जो है समुद्र मंथन संपन्न हुआ, लक्ष्मी जी का भगवान से विवाह हुआ और अंत में जैसे कल बताया था मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई। मोहिनी मूर्ति ने जो है भगवान जब धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुर उसको अमृत को लेके भाग लिए और सब आपस में लड़ गए। तब जो है भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए, बहुत सुंदर स्त्री के रूप में, और सारे असुर आपस में मत लड़ो, ये बहुत सुंदर है, ये बिल्कुल न्याय संगत काम करेंगी, इनको दे दो, और ये जो है हमने आपस में बंटवारा करेंगी अमृत का। तो वो कहते हैं मोहिनी मूर्ति कि देखो मैं तो ऐसे घूमने वाली स्त्री यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ, तुम मेरा विश्वास क्यों कर रहे हो, है ना, किसी को ऐसे फालतू घूमते हुए स्त्री क्यों विश्वास कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, हम असुर तो इतना रूप से मोहित, इनमें नाम ही भगवान का मोहिनी है, ऐसे मोहित हुए थे, वो जो बोलती थी सब ठीक है तुम बस करो। तो मोहिनी मूर्ति ने कहा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं इस अमृत को बंटवाने में तो मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि मैं चाय जैसे बांटूं तुम लोग ऑब्जेक्शन नहीं करोगे। तुमने तो कंडीशन सुनी नहीं, बोले सब ठीक है तुम करो। तो मोहिनी मूर्ति ने सबको बिठाया और जो है वो कहती है असुरों से कि एक काम करो, आप लोग तो धैर्यवान वीर पुरुष हैं, ये देवता लोग ऐसे ही हैं, सब बच्चे सब रो रहे हैं, पर इनको पिला के भगाओ यहाँ से, फिर आराम से आपको अमृत लाएगा। तुम्हें जो अच्छा लगे करो, बस हमने अमृत आपके हाथ में दे दिया, जो आपको करना है वही कीजिए। तो वो उनको देवताओं को पिला रही थी अमृत, और इसको राहु समझ गया तो सूर्य चंद्र में, और मोहिनी मूर्ति तो जानते थे कि राहु है, लेकिन अमृत जो निकला है इस अमृत का ग्लोरीज भी तो पता चले, इसको बताने के लिए मोहिनी मूर्ति ने जानबूझ के राहु को पिला दिया, लेकिन सूर्य चंद्र की कंप्लेन पे उसका सिर भी काट दिया। तो इस तरीके से जब मोहिनी मूर्ति ने जो उसके बाद देवताओं को अमृत पिला दिया और मोहिनी मूर्ति भगवान अपना रूप दिखा दिए, वो चले गए, देवताओं को समझ में आया कि हमारे साथ क्या हुआ है, देवताओं को मिल गया, असुरों को धोखा मिला। असुर बड़े नाराज हुए इस बात से और फिर उन्होंने सारा प्लान बना के फिर से देवताओं पे चढ़ाई किया। देवताओं से बहुत भयंकर लड़ाई हुई इस बार, बहुत खतरनाक लड़ाई हुई। ये लड़ाई कहते हैं कि देवताओं की और असुरों के बीच की सबसे खतरनाक लड़ाई देवासुर संग्राम के नाम से विश्वविख्यात है। इस लड़ाई में बड़े बड़े सभी लड़े, भगवान शंकर भी लड़े और दुर्गा शुंभ निशुंभ को मारा, जितने राक्षस थे सब एक साइड, जितने देवता थे सब एक साइड, है ना, पूरी वर्ल्ड कप बिल्कुल खतरनाक। तो इस लड़ाई में इंद्र का जो वज्र था उस वज्र से इंद्र ने बलि को मार दिया। बलि कौन, महाराजा बलि, असुरों का जो नेतृत्व कर रहे थे, तो उनको मार दिया। तो जब बलि मर गया और एक और था जम्बासुर, ऐसे करके कई थे मेन जो लीडर थे, जो
सब मर गए तो नारद जी ने जाके एक नमुची करके एक बहुत खतरनाक था उसको बोला, दे रहे तुम्हारे साइड के सब मर रहे, तुम क्या कर रहे हो? नारद जी और बीच में थोड़ा, तो वो नमुची आया तो नमुची से और खतरनाक लड़ाई हुआ। तो नमुची को इंद्र ने, इंद्र अपना वज्र जिसको मारते हैं क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है कि वज्र जिस पे चलेगा वो बचेगा नहीं, तो इंद्र ने नमुची को भी वज्र मारा, नमुची कुछ नहीं हुआ। तो इंद्र थोड़ा चले तो गए, यार ये कैसा? तो वहां आकाशवाणी हुई कि इसको भी एक आशीर्वाद है कि ना सूखे अस्त्र से मरेगा ना गीले अस्त्र से मरेगा। अजीब अजीब वरदान मांगते थे असुर लोग, है ना? तो ना सूखे से मरेगा ना गीले से मरेगा, अब वज्र था सूखा। तो इंद्र ने उसी समय बुद्धि लगाई, यार ये क्या है? तो इंद्र ने कहा ना सूखे से मरेगा ना गीले से मरेगा, तो मैं झाग से, झाग होते ना साबुन का जैसे झाग, तो उस झाग से इंद्र ने एक अस्त्र बनाया। उस झाग अब ना सूखा है ना गीला है, उस झाग के अस्त्र से नमुची को भी मार दिया। इस तरीके से कितना खतरनाक युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े असुरों के भी नेता सेनापति और देवताओं के भी सेनापति, भयंकर लड़ाई चल रही थी। और ये अब भगवान शंकर जैसे लोग भी इस लड़ाई में भाग ले रहे हैं, दुर्गा माता भी लड़ रही हैं, चल रहा है बिल्कुल मैच के बाद मैच, खड़ाका खड़ाका इधर से मर रहे हैं उधर मर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने, अब फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि देवता जो है पकड़ बना रहे थे और असुर जो है एकदम से समाप्त होते जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस तरीके से सारे असुर खत्म हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि जाओ मेरा आदेश इंद्र को बोलो कि मैं चाहता हूं कि इन जो युद्ध है वो बंद कर दिया जाए। अच्छा, भगवान पार्शियलिटी नहीं करते, पर क्या है कि देवता लोग मान लेते हैं भगवान की बात, इसलिए उन्हें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। भगवान ने कहा ऐसा कर लो कर लो, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कर लो कर लेते हैं, इसलिए उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। असुर लोग मानते नहीं, गड़बड़ दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन जैसे दो बच्चे हैं, दो गड़बड़ करते हैं, एक बात मानता है, गड़बड़ दोनों ने करी, एक ने मान ली बात, माता पिता का ठीक है आप कह रहे मैं मान लूं, उसको कहते हैं ये समझदार है, जो नहीं मानता उसको कहते छोड़ यार ये। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंद्र को बोला गया, नारद जी आए कि ब्रह्मा जी चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए, तो उन्होंने इंद्र ने शंख बजाया और युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। और इस तरीके से देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। अब इसमें हुआ क्या था कि बलि महाराज मर गए थे, अब ये लोग उसको उठा के लेके गए और शुक्राचार्य को बुलाया जो कि असुरों के, भगवान ने सब इक्वल रखा। अगर देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया है कि कोई मरे तो जिंदा हो जाए, मरे ही ना, तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य को एक मंत्र भी दिया है जिसमें तो संजीवनी, मरे को जिंदा कर देते हो, अजीब अजीब लोग है कि नहीं? तो भगवान ने कहा पार्शियल डिग्री बराबर है, इधर मरेंगे नहीं उधर मरेगा तो जिंदा हो जाएगा। तो शुक्राचार्य ने बलि को अपने शक्ति से जिंदा करा, और फिर शुक्राचार्य ने जब जिंदा किया तो बलि ने तो उनको ही गुरु बना लिया। और फिर बलि ने खूब ब्राह्मणों की सेवा करी, खूब ब्राह्मण भोज कराया, खूब ब्राह्मणों को इतना सेवा किया कि सब ब्राह्मण बलि महाराज को आशीर्वाद देते थे, विश्वजी बनो, ये बनो, वो बनो। और इस तरीके से बलि बिल्कुल तैयार हो गए। महाराजा बलि फिर चले, किस लिए? वो जो लड़ाई रह गई थी उसको पूरा करना है, अभी काम बाकी है। तो महाराजा बलि जब चले, यहां तक ही वर्णन आता है प्रहलाद महाराज, बलि कौन चाहिए तो बताया नहीं, बलि महाराज को प्रहलाद महाराज के बेटे कौन? बलि महाराज। तो बलि महाराज को प्रहलाद महाराज ने भी आशीर्वाद दिया। अब बलि महाराज गए, फिर से उन्होंने जो है, अब इंद्र, यहां वर्णन आता है कि इंद्र जो है, इंद्र का क्या है ना, जहां प्रॉब्लम हुई हे भगवान बचालो 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 बचालो, और जहां प्रॉब्लम खत्म वो अपना नाच गाने में मस्त हो जाते हैं, है ना? यहां तक कि अभी भगवान बार बार आते हैं बचाने, है ना, इंद्र को। और एक बार आगे आएगा दशम स्कंद में, एक बार भगवान ने कहा यार मेरी पत्नी चाहती है कि तुम्हारे स्वर्ग में जो पारिजात है दे दो। इंद्र ने ऐसे कैसे दे दो, बढ़िया से भगवान ने इतनी बार बचाया, इंद्र भगवान से ही लड़ गए।
पारिजात लेके आने पड़ा है ना। तो यहाँ क्या हो रहा था कि इंद्र जो आराम से अपने मस्त थे, नाच गाना चल रहा है, अप्सराएं नाच रही हैं, तो देखा कि कुछ आवाज आ रही है। तो बृहस्पति कहते हैं डरो मत, बलि ने अटैक कर दिया है। तो इंद्र थोड़ा गुस्सा है, तो बृहस्पति कहते हैं ज्यादा गुस्साओ नहीं, अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते बलि का, ठीक है। तो कैसे कैसे बोले, ऐसा इसलिए क्योंकि बलि ने इतनी ब्राह्मण सेवा करी है कि इतना ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस समय। तो इंद्र ने कहा तो करे क्या, बोले पीछे वाला गेट देखा है, तो सारे देवता लोग वहां से भाग गए। और बलि, जब बलि मारा जाए तो देखा तो कोई नहीं, मतलब खाली, जिस कमरे को बोले वहीं खाली। बोले यार हम तो आए थे लड़ने, चलो कोई नहीं कोई नहीं, फिर भी गद्दी तो खाली है, बैठ गए। इंद्र इंद्र के पद पे कौन बैठा है, बलि महाराज, स्वर्ग के राजा बन गए बलि महाराज। तो फिर शुक्राचार्य ने कहा, अब राजा तो बन गए, लेकिन शुक्राचार्य ने कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ करो और ऑफिशियली राजा इंद्र बनो, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले रही पहले सुन चुके ना आप पृथु महाराज के, वो भी तो इंद्र को वहां समस्या हुई थी। तो शुक्राचार्य ने कहा तुमने जीत तो लिया, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ करो ताकि ऑफिशियली तुम ही इंद्र बनो। तो ये इस तरीके से 100 अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी की, तो यज्ञ करते जा रहे थे। तो इस तरीके से अब देवता लोग, अब बलि जिधर देखो उधर बलि का ही राज्य था, तो देवता लोग छिपे छिपे घूमते थे, थोड़ी देर के दिखते थे, फिर अदृश्य हो जाते थे कि कोई पकड़ ना ले, है ना, कोई बलि का आदमी ना मिल जाए। बेचारे डरे डरे छिपे छिपे रहते थे, कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, बड़ी बुरी स्थिति देवताओं की। तो इसके बाद अब किसी का बेटा इस तरीके से परेशान घूमे, जॉब से निकाल दिया, हरा दिया, ये दुख है दुखी, छिपा छिपा घूमे, तो उसकी माँ को तो बड़ा बुरा लगेगा, है ना, कि भाई कुछ भी हो पर हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ। तो माता अदिति जो कि देवताओं की माँ है, है ना, दिति और अदिति दोनों बहनें हैं, सारा भागवतम में है फैमिली मैटर, है ना, सारे झगड़े किसके बीच में हो रहे हैं, है ना। अभी दिति और अदिति कौन है, बहने बहने सगी बहने, अदिति के बच्चे बलि और ये सब राक्षस लोग, हिरण्यकश्यप दिति का बेटा, उनका प्रहलाद, उनका बेटे का बेटा बलि, तो दिति के परिवार के हैं, और इंद्र और ये सब विवस्वान ये सब अदिति के हैं, तो कौन हुए आपस में कजिन, झगड़ा किसके बीच में चल रहा है। तो अदिति कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे बच्चों के साथ, है ना। तो अदिति ने अपने उनके पति कश्यप, अब दो और दोनों दिति और अदिति पत्नी है दोनों कश्यप की, ये भी बात है, एक कथा आप सुन चुके ना, दिति ने भी प्लान किया था कि इंद्र को मारा जाए, इंद्र किसका बेटा, अदिति का बेटा। तो यहाँ उल्टा हो गया, इंद्र को दर दर भटक रहा है, तो अदिति ने, अब है इनके पास कुछ नहीं, पत्नी के पास क्या होता है, कुछ नहीं, पति को ही अप्रोच कर सकती है बेचारे। तो जैसे दिति ने कश्यप जी को अप्रोच किया था, ऐसे कश्यप जी थे नहीं, तो कुछ समय तक दिति अदिति बहुत परेशान थी। जब कश्यप मुनि आए तपस्या करके, तो अदिति माता को देखा कि बहुत उदास है, उदासी का कारण पूछा, तो अदिति कहती है कि मेरी उदासी का कारण है कि मेरे पुत्र जो है दुखी है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पुत्रों का कष्ट दूर हो और वो अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाए। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि ये सब पुत्र और ये सब माया है, क्या इसमें लगा रखा है, ये सब शरीर का बंधन है, सब छोड़ो, भगवान की भक्ति करो, है ना, और भगवत भक्ति सार है, बाकी सब बेकार है। तो अदिति को काफी बड़ा भक्ति का प्रवचन किसने दिया, कश्यप मुनि। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमारे इस्कॉन में भी देखो कि कोई बिल्कुल व्यथित दुखी आत्मा, ना कुछ भटकती आत्मा बेचारे आ जाते हैं, और वो अपना रोना ये हो, उनको आप एकदम से शुद्ध भक्ति का प्रवचन दे दो, तो अगली बार आता ही नहीं,
ऐसे होता है, वो आया प्रभु जी ये लॉस हो गया वो लॉस हो गया, चैंट हरे कृष्णा भी है ये सब में हरे कृष्णा ही बताता है। बात सही है, लेकिन वो स्थिति में वो हर समय हर व्यक्ति को हर स्थिति में समझना चाहिए ना। इतना दुखी थी माता अदिति कि उनको उस समय भक्ति का ज्ञान समझा नहीं, इसलिए कई बार प्रभुपाद जी एकदम से नहीं बता देते ना। प्रभुपाद एक बार एक रेसर था जो F1 में चलाते हैं ना, क्या बोलते उसको कार जो चलाते हैं ना, वो प्रभुपाद जी को मिलने आया, तो वो बताए पढ़ाए अपनी गाथा, ये हैं ये वो हैं। प्रभुपाद जी ने एक घंटे उसकी कहानी सुनी कैसे वो गाड़ियां चलाता है, सब गाड़ियों के बारे में। प्रभुपाद जी पूछ भी रहे अच्छा ये वो हॉल भरा था पहले तो, फिर धीरे धीरे लोग उठ के जाने लगे क्या चल रहा है, और लोगों को समझ में नहीं रहा था कि प्रभुपाद जी तो हमेशा भक्ति की बातें करते हैं, ये कैसा ये इसकी इसको भगा नहीं रहे था। सुनते रहे एक घंटा तक सुना, एक घंटे के बाद उसका प्रवचन बंद हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं अच्छा तो इस रेस वेस में गाड़ी एक्सीडेंट होता है कभी? होता है एक्सीडेंट, अरे हम जान हाथ पे लेके गाड़ी चलाते हैं, किसी भी एक चूक हुई और मौत। अच्छा उसके बाद फिर उसको टेंशन चालू हुआ, उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने एक घंटा लेक्चर दिया, फिर वो कहता माला कहाँ है तो इस तरीके से कई बार एकदम से प्रीचिंग एकदम से नहीं, अदिति माता को उन्होंने बता दिया कि सब क्या मोहे पुत्र ये वो सब छोड़ो भक्ति करो। अदिति माता कहती है अच्छा ऐसा भक्ति बताओ, ऐसी विधि बताओ, उन्होंने कहा ठीक है मैं भक्ति करूंगी लेकिन ऐसी भक्ति की विधि बताओ जिससे मेरे पुत्र सुखी हो जाए। वो अपने पॉइंट पे टिकी है ना, तो कश्यप जी बोले अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने पयोव्रत के बारे में उनको बताया, तो पयोव्रत वही पयोव्रत में है वही नारायण की भक्ति है ना, ज्यादातर ये दूध बेस्ड है, मिल्की फास्टिंग मिल्क पे बेस्ड पूरा फास्टिंग है ना। तो पयोव्रत को माता अदिति ने किया और भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने माता अदिति से कहा कि हम आपकी भक्ति से ये जो आपने व्रत किया बहुत प्रसन्न है और हम जानते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है। माता अदिति कहती हैं आप हमारे जो पुत्र हैं उनके शोक का निवारण करें। तो भगवान कहते ठीक है मैं जो है आपके पुत्र के रूप में आऊंगा और आपके, वैसे तो कहते हैं कि इस समय कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि बलि ने इतनी ब्राह्मण सेवा की है और मैं मुझे जानते हो आप नमो ब्रह्मण देवा या गो ब्राह्मण हिताय चा, वो ब्राह्मणों की सेवा उसने पकड़ लिया की पॉइंट बलि ने, वो भी स्मार्ट है और मैं उसका भी कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं कि मैं कुछ इस समय कुछ नहीं कर सकता क्यों, वो ब्राह्मण की सेवा कर रहा है, अगर उसको कुछ बिगाड़ा तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी, गो ब्राह्मण हिताय चा है कि नहीं, तो मैं ना कुछ रास्ता निकालूंगा। कृष्णा इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट इंटेलिजेंट है ना। तो भगवान ने कहा आप परेशान मत हो मैं आऊंगा और आपको जो समस्या है उसका सॉल्यूशन करूंगा। भगवान कहते हैं कि लेकिन इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को बताने का नहीं, क्योंकि जब जो चीज हम प्लान कर रहे हो, भगवान बोल रहे हैं जो चीज प्लान कर रहे हैं और अगर वो सबको खुल जाए तो वो कई बार अधूरी रह जाती है, और अगर रहस्य रहस्य ही रहे तो वो क्या होता है सक्सेसफुल होता है। तो किसी को बताना नहीं, ऐसे करके फिर जो है भगवान माता अदिति से कश्यप जी द्वारा भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए, भगवान वामन देव की। तो भगवान वामन देव छोटा उनका बौना शरीर के प्रकट हुए, कई लोग वहां आए भगवान वामन देव की सुंदरता को देख के सब लोग आए और सभी देवताओं ने ऋषियों ने उनको कई चीजें जो है उपहार में दी। भगवान वामन देव आपने पोस्टर देखा होगा कमंडल लेके छाता लेके एक ब्राह्मण बच्चे के भेष में और एक मृग छाल पहने और जो है निकले दान मांगने। तेरे तो आखड़ा भगवान भगत बने
इस तरीके से जो है आपने बताया तेरे द्वार खड़ा भगवान वो दान लेके आ गए। क्या लेके आ गए? लंच है, ब्रेकफास्ट, डिनर। आज का डिनर, कल का ब्रेकफास्ट और लंच यहीं करके जाए। जय नाथे भगवान बामन देव। भगवान बामन देव गए, बलि कर रहे थे यज्ञ, बताया ना, यज्ञ पे यज्ञ चल रहा था, बलि महाराज कर रहे थे यज्ञ। भगवान बामन देव आए दूर से, इतना सुंदर भगवान का रूप, भगवान को देख के सब मोहित हो रहे हैं, है ना। तो भगवान आए बामन देव और बलि महाराज से भगवान ने, बलि महाराज कहते हैं कि आप आए हैं, ब्राह्मण हैं और यज्ञ में क्या दान दिया जाता है, बोले आप मांगिए, सबको दे रहे, आपको भी देंगे। तो बामन देव कहते हैं, देखो बलि, ब्राह्मण जो है, पहले तो कहते हैं तीन पग धरती चाहिए, तीन पग धरती चाहिए। किसने बोला? बामन देव ने। तो भगवान बामन देव की ये बात सुनकर बलि महाराज कहते हैं, उनको ऐसे झटका सा लगा, भाई आपको पास लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी है और आप दिल खोल के आपने अनाउंसमेंट भी करवाया कि जिसको चाहे जो चाहे आके लेके जाओ, ओपन दान चल रहा है और आप लाखों दे सकते हो और देना भी चाहते हो और कह भी रहे हो कि जो मांगोगे मैं दूंगा, और कोई आपसे बदले में कहे तीन रुपए चाहिए। तो मां बलि महाराज कहते हैं, तुम हो बच्चे पर डिमांड भी बच्चे ही जैसे कर रहे हो। बच्चों को बोलो आज तुम्हारा बर्थडे है, मांगो जो मांगना है, अगर 10 रुपए तो मेरे को ना किटकैट खानी है। है कि नहीं? तो बलि महाराज कहते हैं कि अरे और मांगो, तुमको मैं गाय दूंगा, जमीन दूंगा, और अगर चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर, तुम्हारे जैसी बिल्कुल सील कन्या का भी अरेंजमेंट कर दूंगा शादी के लिए। कहते सब कुछ दूंगा, आप बोलो। और ऐसी चीज मांग रहे हो, मैं त्रिलोक, शायद तुम्हें जानकारी ना हो, अभी तुम्हारा नया नया छोटे हो, शायद तुम्हें जानकारी ना हो, मैं त्रिभुवन विजेता हूं, मैं बलि हूं। बामन देव कहते हैं, देखो बलि, ब्राह्मण का लक्षण होता है कि जितनी उसकी जरूरत है उतना ही मांगे और उतने में संतुष्ट रहे, नहीं तो कितना भी मिले संतुष्टि नहीं होगी आदमी को, ऐसे तो मिलता रहेगा, संतुष्टि कहाँ है? तो मुझे जितनी जरूरत है मैंने मांग लिया। तो बलि महाराज कहते हैं ठीक है। संकल्प लेने वाले थे शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, इसे कोई साधारण मत समझो, ये विष्णु है। तो बलि महाराज तो भक्त थे, उनको जब अच्छा ये देखो आप असुरों में भी भक्त हो रहे हैं, प्रहलाद, वृत्तासुर, बलि महाराज तो कहते हैं कि ये विष्णु है, इसकी चतुराई को समझो, ये अपनी चतुराई से ही हम असुरों का कल्याण करता है अभी तक, ठीक है, इसको समझो बलि। तो कहते नहीं, मैं अगर वो भगवान नहीं है तब भी मैं दान दूंगा, और अगर भगवान है तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा जो कुछ भी मेरे पास है ये भगवान को दिया जाए तो सार्थक हो गया ना फिर मेरा धन। मेरे पास जो कुछ भी धन है भगवान की सेवा में लग जाए तो धन की सार्थकता ही यही है। धन के तीन गति होती है, तो रोग में, भोग में, योग में। या तो भोग में लगा लो, अपने इंद्रिय भोग में खर्च कर लो, और या फिर योग में, यानी भगवान से मिलने में लगा लो, भगवान की भक्ति में, भक्तों की सेवा में लगा लो, नहीं तो वो रोग में जाएगा, बीमारी में जाएगा, या चोरी होगा, कुछ ना कुछ होगा, लक्ष्मी कहीं नहीं दिखती। और वैसे भी उस दिन मैंने बताया था ना, लक्ष्मी जी कह रही है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल कृपा नहीं करती जो कृष्ण के चरणों की सेवा नहीं करता, है ना। तो इस तरीके से बलि महाराज ने
शुक्राचार्य की बात नहीं मानी, लेकिन शुक्राचार्य ने सोचा कि यार नहीं, हमें तो कुछ करना चाहिए। तो संकल्प लेने के लिए जो कमंडल से जल डाल रहे थे उसके उसमें जाके बैठ गए। वो जिनने आग डाली वो शुक्राचार्य का, वो लकड़ी डाल दो उसका आग भी खराब हो गया। बाद में जो है बलि महाराज ने दान दिया, फिर जो है भगवान वामन देव ने दिखाया अपना असली रूप, और एक कदम में तो नीचे का और दूसरे कदम में ऊपर का सब कुछ नाप लिया। जब उन्होंने, इसलिए उनका नाम हुआ त्रिविक्रम, जब उन्होंने ऊपर का नापा तो पैर भगवान का इस तरीके से बड़ा। अब ऊपर क्या है, जनलोक महालोक सतलोक ये सब स्वर्ग लोक सब ऊपर है, और सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी का लोक। अब ब्रह्मा जी ऐसे तपस्या कर रहे थे, कुछ तो भी ऐसे आ रहा है, तो अभी ये क्या है, तो इतना विशाल भगवान का चरण और वो ऐसे आए जा रहा है, और वो ब्रह्मा जी के ऊपर भी जा गया और जो ब्रह्मांड था उसमें छेद हो गया। ब्रह्मांड में छेद हुआ तो जो ब्रह्मांड कारण जल में है ना, ये बाप है ना, वो ब्रह्मा जी दिख रहे हैं ना वहां पे, तो समझो भगवान वामन देव का वो पैर ऐसे गया और उस कारण जल ब्रह्मांड में छेद किया, तो कारण जल का पानी माने दिव्य पानी आध्यात्मिक जगत का जल उस छेद से अंदर घुस गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबसे ऊपर बैठता हूं, मेरे ऊपर आज तक बारिश नहीं, ये पानी कहां से गिर रहा है। तो देखा रे, तो वो जो जल आया वो भगवान के चरण को धो के आया, तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कुछ देर बाद के भगवान के चरण कमल है, उन चरण कमल को धो के दिव्य जल आध्यात्मिक जगत का गिर रहा है। तो ऐसी महान कृपा जब हो रही है तो तुरंत क्या करो, बर्तन लगाओ, फ्री में मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना कमंडल में उसको, वही गंगा है, गंगा वही है। अब दो पग में तो सब नाप लिया, वामन देव कहते हैं अब तीसरा कहां रखूं बलि, इतना बोल रहे थे। तो बलि महाराज कहते भगवान अब क्या कहूं मैं, अब मैं क्या कह सकता हूं, जो है आप तीसरा पद रखो, मैं ही आपका मुझे अपना लो। तो इस तरीके से भगवान ने बलि को जो है उसके सिर पे अपना चरण रखा और उसको सुतल में भेज दिया। तो इसके बाद भगवान बलि महाराज के इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। सर्वस्व जिन्होंने अपना त्याग दिया, दान में दे दिया भगवान को, बलि महाराज को भगवान के 12 महान भक्तों में इन बलि महाराज की गिनती आती है। यहाँ पे भी हार के जीत है, ये भी हार के जीत है। तो यहाँ पे बलि महाराज, अभी भगवान कहते हैं कि उस सुतल में मैं खुद तुम्हारे द्वारपाल के जैसे रामपाल भगवान सेवा कर रहे हैं। इसके बाद बलि महाराज तो सुतल में चले गए, लेकिन जो यज्ञ हो रहा था वो अधूरा रह गया। तो भगवान शुक्राचार्य जी को कहते हैं कि आप इस यज्ञ को पूरा करें। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि भगवान किसी भी तरह की कमी रह जाए, तंत चित्त मंत्र चित्त देश काल चित्रस, किसी भी तरह की कमी हो, तंत्र की मंत्र की समय की किसी भी तरह की कमी हो किसी अनुष्ठान में, सर्वम करोति निश्चित्रम अनुसंकीर्तनम तव, किसी भी तरह की कमी हमारी पूजा में रह जाए, विधि में रह जाए, कुछ भी कमी, पर अगर वहां आपके आपके नाम का संकीर्तन हो जाए तो सारी कमियां पूरी हो जाती है। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि जब आपके नाम से ही सिर्फ सारी कमियां पूरी हो जाती हैं, तो यहां आप स्वयं खड़े हैं तो कमी क्या रहेगी। लेकिन फिर भी आप जब मुझसे कह रहे हैं तो मैं इसको पूरा कर देता हूं। इसीलिए जो है आपने देखा होगा इस कौन में कोई भी अनुष्ठान हो कीर्तन चलता रहता साइड में, क्योंकि कमी तो रह जाएगी, कलयुग है यहां पे कमियां तो हैं।